कभी किस वाला रोमांस। कभी फिल्मी आशिकी। तो कभी जेसीबी वाला लव। अभीरा को किस्मत एक दूसरे के बेहद करीब ला रही है और चल पड़ी है दोनों के प्यार की गाड़ी। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है मौसम प्यार का, और इस प्यार के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं अरमान और अभीरा। भाई इन्हें किस्मत बार बार मौके दे रही है एक दूसरे के करीब आने का, और देखिए दोनों एक दूसरे के करीब आ भी रहे हैं। तो आइए हम भी एक एक कर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इन दोनों का किस्मत कनेक्शन जुड़ रहा है। तो सबसे पहले बात जेसीबी वाले लव की। असल में अभीरा पहुंच गई है मसूरी अपनी मम्मी का रिजॉर्ट यानी कि घर बचाने के लिए, क्योंकि यहां पर ऑफिसर्स पहुंच गए हैं जेसीबी ट्रैक्टर लेकर घर तोड़ने के लिए। ऐसे में देखिए कैसे अभीरा इस ट्रैक्टर के सामने खड़ी हो गई है और ऑफिसर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इससे पहले कि अभीरा को चोट लगती, सही समय पर वहाँ पहुँच जाता है अरमान, जो अभीरा को बचा लेता है। भाई आज तो अभीरा बाल बाल बच गई, लेकिन इसी के साथ देखिए कैसे अरमान अभीरा को गले लगा लेता है। जेसीबी की खुदाई तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन आज जेसीबी मेरे घर को तोड़ने आ रहा है अपने फन निकाल के। मैं तो सामने आ गई, मैंने बोला मुझे भी उठा लो इस घर के साथ में अगर उठा रहे हो तो। तो मैं तो आ गई सामने, मैंने बोला नहीं 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 मैं तो कुछ नहीं होने दूंगी घर को। फिर आगे क्या होता है ये बताइए। ये तो इन्होंने तो सरेंडर कर दिया था कि मैं तो इस घर के साथ खुद भी चली जाऊँगी, बट अरमान सब कुछ छोड़ छाड़ के उदयपुर से मसूरी आ गया है और एक सेकेंड पहले ही वो वहाँ पहुँच जाता है और अभीरा को सेव करता है और ये सीन है। वैसे इसी के साथ अरमान अभीरा को खूब डांट फटकार भी लगाता है, लेकिन इसमें भी छुपा है अरमान का प्यार। अरमान तो बिल्कुल चुप। तुम स्कूल गई भी हो या मुझे झूठ मूठ की कहानियां सुनाती आई हो? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है बुलडोजर के सामने खड़े नहीं होते? शट अप, तुम अपना दिमाग उदयपुर में छोड़ कर आई हो? अभी तुम्हें लग जाती तो, क्योंकि बाय चांस मैं आ गया इसलिए अगर मुझे रास्ते में ट्रैफिक मिल जाता, मैं कॉफी पीने रुक जाता, मेरी गाड़ी खराब हो जाती तो क्या होता? मुझे दो सेकंड की देर हो जाती ना तो मान ले तो ना हो मेरा घर है ये टूट रहा है और तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। डांटने के बाद जब अभीरा रोने लगती है कैसे उसके आंसू पोंछ रहा है। वैसे इतना ही नहीं, आज तो अरमान ने इस घर के साथ साथ अभीरा का दिल टूटने से भी बचा लिया, क्योंकि उसने ऑफिसर्स को कहा वो ये रिसॉर्ट की मरम्मत कराएगा और इसे सही बना देगा, जिस बात से आज अभीरा काफी खुश है। एक इंच की भी जगह नहीं बची इतना नजदीक लाने वाला, क्योंकि उन दोनों के बीच में ही जगह नहीं थी तो मैं तो जगह बना के किसी तरह से अरमान घुस जाता अंदर। जो लोग नहीं कर पाए वो जेसीबी की ट्रैक्टर ने कर, हाँ ट्रैक्टर ने कर दिया जेसीबी ने। तो बहुत ही नज़दीक सिचुएशन थी, आई एम श्योर आपने देखा ही होगा। इससे उसकी यादें जुड़ी है, उसकी मॉम की यादें जुड़ी है, उसका दिल लगा हुआ है इस घर में। तो ना सिर्फ उसने उसका घर टूटने से बचाया है बल्कि उसने उसका दिल टूटने से भी बचाया है, और जितना दिल उसका अरमान के आने से पहले टूटा है
तो उसको जोड़ने की कोशिश तो वो जरूर करेगा। भाई ये तो रही सीन की बात, अगर बात करें बिहाइंड द सीन की तो देखिए कैसे अभिरा यानी कि समृद्धि इस सीन को कर रही है एंजॉय और जेसीबी संग कर रही है बिहाइंड द सीन मस्ती। तो भाई अब अरमान ने फैसला किया है इस रिजॉर्ट को यानी कि अभिरा और अक्षरा के घर को ठीक करने का, तो वो इसमें जुट भी गया है। भाई असल में अभिरा कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गई है इस रिजॉर्ट की मरम्मत का काम करने के लिए, लेकिन उससे ये हो नहीं पाया। तभी वहाँ अरमान पहुंच जाता है और करने लगता है अभिरा की मदद, और देखिए कैसे दूर खड़ी अभिरा अरमान को प्यार से निहार रही है और दूर से ही लुटा रही है उस पर अपना प्यार। भाई अभिरा को तो अरमान से प्यार हो गया है, लेकिन अब लग रहा है कि उसे इस बात का एहसास भी हो रहा है। भाई इसी के साथ किस्मत ने इन्हें फिर से दे दिया है मौका रोमांस फरमाने का। तभी तो देखिए कैसे जब अभिरा कपड़े सुखा रही होती है तो उनमें वो उलझ जाती है और साथ ही अभिरा संग उलझ जाते हैं अरमान भी, और फिर से दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ज़्यादा और करीब मैं उनको पाऊंगी। अब वो अभी तो मेरा दिल टूटने से बचा रहे हैं, बट बाद में तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे तो नहीं पता, क्योंकि रूही का तो मुझे नहीं पता रूही वाला सिचुएशन। सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू नो कि क्या कैसे होने वाला है, बट फॉर नाउ वी आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर। अरे रुकिए रुकिए, रोमांस पर अभी ब्रेक नहीं लगा है, अभी तो अरमान और अभिरा का रोमांस जारी है। क्योंकि शाम होते ही देखिए कैसे अरमान ने इस रिजॉर्ट को इन लाइट से सजा दिया, और ये सजावट देखकर अभिरा हो गई है काफी खुश, और वो अपने सोशल मीडिया फैंस यानी कि गेस्ट को रिजॉर्ट में आने के लिए बना रही है ये वीडियो। वीडियो बनाते बनाते अभिरा का पैर इस कुल्हाड़ी पर पड़ने ही वाला होता है कि तभी अरमान पहुंच जाता है उसे बचाने, और गलती से यहाँ अरमान कर लेता है अभिरा को गालों पर किस। हेलो, मैं हूँ अभिरा और ये है हमारा रिसॉर्ट, ये मेरा घर है, यहाँ मैं और मम्मा रहते हैं। ये वही घर है जहाँ से बहुत सारे ईईज का घर चलता था। अब आप पूछोगे ईई क्या होता है? ईई ईमानदार एम्प्लॉई। एक फन फैक्ट, मेरा और मम्मा का फेवरेट फूड था नूडल्स, और ये पीछे जो आपको जगह दिख रही है यहाँ पे हम दोनों बैठकर रात को नूडल्स खाते थे, बहुत मजा आता था। और एक और चीज, आप हंसिएगा मत, लेकिन हम लोग तारे भी गिनते थे। आई नो तारे कोई मेहमान नहीं है जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो अनगिनत होते हैं, लेकिन फिर भी ये सारे सिली काम करने में मम्मा के साथ बहुत मजा आता था। यहाँ पर बहुत सारे भाई ये किसका किस्सा तो चलता रहेगा, और अरमान और अभिरा का ये रोमांस भी, लेकिन देखना होगा कि ये दोनों अपने प्यार का इजहार कब और कैसे करते हैं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे पास तो है आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की चाबी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इसी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और हाँ साथ के साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।